जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण सर, नमस्कार। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, गोविन्दाय हिताय च, ॐ कृष्णाय नमः। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज से प्रार्थना अर्चना, उनका वंदन कि आज के हमारे इस द्वादश स्कंद के कथा का गान करने के लिए, श्रवण करने के लिए, मनन करने के लिए अपनी आज्ञा और आशीर्वाद हम सभी को दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। मित्रों, इस भागवत जी के कथा क्या मैं कथा का सारांश कहूंगा, ब्रीफ कहूंगा, उसके अंतिम स्कंद अर्थात द्वादश स्कंद के बारे में उसके कुछ तथ्य, कुछ मर्म हम जानने, सुनने और उनको छूने की, टच करने की आज कोशिश करेंगे। ये उसी तरह जैसे हमने बाकी 11 स्कंधों के बारे में भी कुछ कुछ भगवान को के चरणों को छूने की कोशिश की, अपने आप को भी, अपने अंतर मन को भी हमने उस तरफ गोपियों की तरह, मीरा की तरह भगवान को समर्पण होने की या अपने आप को समर्पण की तरफ न्योछावर करने की, थोड़ा डाइवर्ट करने की कोशिश तो जरूर की है। वो चाहे आज से पहले 11 स्कंदों की कथा हो या जो सर्वप्रथम हमने भागवत कथा का सारांश के बारे में, ब्रीफ के बारे में थोड़े से एक दिन हमने बात की थी, और उससे पहले गीता का भी सारांश थोड़ा सा हमने जाना, क्योंकि चाहे गीता हो, भगवत गीता हो या भागवत कथा हो या हरि कथा, हरि कथा अनंता की तरह, इनका पूरा वर्णन इस जीवन काल में कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हर पल हर पग पर इससे हमको कुछ ना कुछ सीख मिलती। एक ही काम, एक ही प्रवृत्ति, एक ही वृत्ति हम सदा प्रैक्टिस करें, वैसा ही करते जाए, तब भी हर बार करने से कुछ नई चीज पता चल जाती है, कुछ नई सीख मिल जाती है। इसलिए ये सीखने की निरंतरता, कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए ये वास्तव में भगवान की, श्री कृष्ण जी महाराज की माया है। सीखते तो हैं हम इस मायावी जाल से दूर रहें, माया के भ्रम से दूर रहें, माया से अपने मन को हटाए, अपने चित्त को भगवान के चरणों में समर्पित कर दें। फिर भी भगवान की माया इस कथा में, इस क्रम में, इसके द्वारा बताए गए मार्ग में, कर्मों में इस तरह से बसी हुई है भगवान की माया कि हम उससे छूट नहीं सकते, और हर बार एक ही बार करने पर भी अलग अलग चीजें पता चलती हैं, अलग अलग सा हमारे को आनंद के प्राप्त होती है। हाँ, ये बात सही है कि इनको करने से, सुनने से, व्यक्त करने से आनंद तो मिलता है। चलिए आवाज मित्रों, द्वादश स्कंध के बारे में कुछ चर्चा करें, बातें करें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। अब द्वादश स्कंध में कलयुग के जो राजवंश है, राजा थे, उनका कुछ वर्णन बताया गया है, उनके बारे में
कुछ बातें बताई गई, उनके नाम, उनके कर्म, उनके धर्म, उनके मर्म, इन बातों का उद्धरण किया गया। और ये उद्धरण करने से भी जो शुरुआत में हमने बात की थी, अल्टीमेटली जय श्री कृष्ण सभी को, अल्टीमेटली हम कुछ न कुछ प्राप्त करते ही हैं, कुछ न कुछ चीज हमारे लिए, कुछ न कुछ तथ्य, कुछ न कुछ मटीरियल इसमें छुपा ही हुआ है। संदेश नित्य प्रति हर शब्द में इस कथा का। तब सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बताते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। वो कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को राजपाट मिलेगा, राजा के पद पर सुशोभित होंगे और फिर चंद्रगुप्त के पुत्र होंगे जिनका नाम वारिसार होगा, और वारिसार के जो पुत्र होंगे उनका नाम अशोक वर्धन होगा। अब ये राजवंशों का वर्णन बता गया है, वर्णन आ गया है। फिर सुखदेव जी महाराज इसी क्रम में आगे बताते हैं, क्योंकि मित्रों यह बात पहले सारांश से शुरुआत हुई थी कि जो मुख्य इसमें बताने के लिए, सिखाने के लिए, हमको आपको आत्मसात करने की जो कथा है उसमें डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी सुखदेव जी महाराज का बहुत बड़ा रोल है, और साथ ही राजा परीक्षित का भी रोल है। गुरु और शिष्य के रूप में सुखदेव जी तथा परीक्षित जी का हर पल हर घट इसमें मिश्रण है। उनके बिना भागवत जी का कहीं भी आगे बढ़ पाना, सोच पाना असंभव। इसलिए सुखदेव जी परीक्षित को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे परीक्षित, फिर क्या होगा? फिर एक समय, उन्होंने तो कह दिया कि उन दिनों, कब? जब यह काल शुरू हो जाएगा, कलयुग शुरू हो जाएगा, कलयुग के समय संभल नाम के ग्राम में विष्णु यश, जिनको विष्णु भगवान विष्णु का यश प्राप्त होगा और उनका नाम भी विष्णु जी से ही लिया जाएगा, उसी से नाम उनका पड़ेगा, एक शेष ब्राह्मण की उत्पत्ति होगी, एक ब्राह्मण श्री शेष ब्राह्मण उत्पन्न होंगे, और उन शेष ब्राह्मण का जो विष्णु जी के अवतार होंगे, अंश होंगे, उनका हृदय बहुत ही विस्तृत और उदार होगा, और पूरी पूरी उनकी भाव भंगिमा, शरीर भी, मन भी, फिजिक भी, देखने के लिए भी भगवान की भक्ति से ओतप्रोत होगा, भगवत भक्ति से परिपूर्ण होगा, ऐसा उनका पूरा शारीरिक सौष्ठव होगा। और उन्हीं श्रेष्ठ ब्राह्मण श्री के घर पर कल की भगवान का भी अवतार होगा, अर्थात कल की भगवान जो भगवान श्री कृष्ण के रूप होंगे, उन्हीं के एक और अवतार होंगे जिसका नाम कल के अवतार होगा, ये कलयुग में। और कहाँ होगा? जो श्रेष्ठ ब्राह्मण संभल नाम का एक ग्राम है। अब एग्जैक्ट कुछ लोग यहाँ मुरादाबाद के पास में जो एक संभल ग्राम है उसके लिए कहते हैं, कुछ लोगों ने वहां पर मंदिर भी स्थापित कर दिया है। मंदिर स्थापित करना, पूजा पाठ करना, मनन करना तो अच्छी बात, तो वास्तव में क्या वही संभल होगा या उसी स्थान पर अवतार होगा? क्योंकि इस तरह की बातें तथ्य लोगों ने शुरू कर दी हैं और कुछ स्वयं भूमि बनने की कोशिश कर, या कुछ बन भी गए स्वयं, तो वही क्या समय कल की होंगे उसके लिए हमको इंतजार कर। फिर कलयुग के जो भी कलयुग में दोष हैं, कलयुग के दोष हैं, कलयुग की वजह से जो व्याधियां आ जाती हैं, जो विपत्तियां आ जाती हैं, जो कलुषित मन हो जाता है, उनसे कैसे बचा जाए, उसके लिए फिर सुखदेव जी कहते हैं, उसके लिए बचने के लिए, उन तथ्यों से बचने के लिए, उस कुमार्ग से अपने आप को विड्रॉ करने के लिए केवल और केवल भगवान के नाम का कीर्तन करना, संकीर्तन करना ही सर्वश्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है।
ओम श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्री कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः। कितने नाम भगवान श्री कृष्ण के हैं, उन नामों को यथारूप जैसा उन आपने सुना है, जैसा जाना है, वैसे ही मनन करने से, उनका भजन करने से, नारायण नमः नारायण नमः नारायण श्रीमन नारायण का जप कर देने से मात्र से ही कई दोषों से, कई पापों से मुक्ति हो जाती इस कलयुग में। इसलिए हम भगवान के नाम का जप करना, स्मरण करना जारी रख, उसमें तनिक भी, थोड़ी सी भी, लेस मात्र भी कोई कमी न रह जाए। इसी से हमारा सबका उद्धार होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के गुणों को, उन गुणों को आत्मसार करने से, उन गुणों को याद रखने से, उनका जप करने से, उनका मनन करने से, जितने भी गुण हैं, क्योंकि वो तो पूर्ण पुरुष है, उनमें अवगुण तो आप देख नहीं सकते, अवगुण तो उनमें कुछ है नहीं। अगर किसी को अवगुण लगता भी है तो वह उसके मन की भ्रांति है, उसके मन में वैसा ही विचार है। इसलिए भगवान के जितने भी लीलाएं थी, क्रियाएं थी, कर्म भगवान के द्वारा किए गए, वो केवल और केवल इंसान के, मानव मात्र के प्रेरणा के स्वरूप थे, उनको सुमार्ग दिखाने के लिए थे, और उनके गुणों का, उनके लीलाओं का केवल मनन कर देने से ही उसका कल्याण हो जाए। और फिर उनका यदि अनुसरण भी कर लिया जाए, उनके क्रियाओं का, उनके कार्यों का, उनके लीलाओं का, तो फिर उसके लिए तो क्या नहीं प्राप्त हो सकता, अर्थात सब कुछ प्राप्त होता है। इसीलिए बड़े बड़े साधु पुरुष महात्मा भी, संत भी, उनके नाम का गुणगान और उनकी कथा का गान करते रहे। ऐसी बात इस कलयुग में होने वाले, प्राप्त हुए, किए गए किसी भी दोष का मार्जन करने के लिए, उस दोष को दूर करने के लिए भगवान के नाम का स्मरण और जप करने से, उसमें लीनता रहने से, तन्मयता रहने से दूर हो जाता, सारे दोष दूर हो जाते, बशर्ते हमारा मन शुद्ध। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है, मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात जो जूता बनाने वाले, जूता रिपेयर करने वाले हैं, उनके पास जो चमड़े का एक कठौती होती जिसमें वो जल रखते हैं उसको काम करने के लिए, वह जल भी गंगा के समान शुद्ध हो जाता है, बशर्ते उसकी मानसिक स्थिति, मनसा वाचा कर्मणा, उसका ध्यान भगवान में समर्पित हो। फिर आगे सुखदेव जी बताते हैं, जो भी श्री कृष्ण जी महाराज के चरण कमलों में पूर्ण वात्सल्य से, वात्सल्य पूर्ण भावों से, अनन्य प्रेम से भक्ति करने की इच्छा मात्र रखता हो, भक्ति करता हो तो फिर उसका कहना ही क्या, भक्ति करने की केवल यदि इच्छा भी रखता हो, उसको भी उतना ही फल मिलता है जो पूर्ण भक्ति कर रहा है। इसलिए भगवान के गुण जितने भी, उन गुणों का हम श्रवण भी करें, मनन भी करें, और उसको आत्मसात करके कर्म भी करते जाए। श्रवण करना, कहीं भी कथा चल रही हो, कोई भी माध्यम से आपको भगवत कृपा के गुण, भगवान के गुणों का वर्णन सुनने का मौका मिलता हो, तो अपने आप को धन्य समझकर, भाग्यशाली मानकर, भगवान को पूर्ण नतमस्तक होकर, मनसा वाचा कर्मणा, जैसे भी आप कर पाए, जैसी स्थिति परिस्थिति उस समय हो, उसका ध्यान अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि इस भवसागर से पार करने वाले, दूर करने वाले वही श्री कृष्ण जी महाराज हैं, और इस कलयुग में तो उनका नाम ही श्रेयस्कर है। फिर सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि चार प्रकार के प्रलय है, प्रलय जो नित्य है, जो डेली दिन रोज होते हैं, रोज घटित होते हैं, और दूसरे तरह के प्रलय नैमित्तिक हैं,
तीसरे तरह के प्रलय प्राकृतिक हैं और चौथे तरह के प्रलय आत्यंतिक हैं। और फिर आगे की कथा बताते हुए चारों का नाम बताने के बाद उसका थोड़ा सा वर्णन सुखदेव जी के द्वारा किया गया। फिर वो कहते हैं, हे परीक्षित, जो लोग अत्यंत दुस्तर कठिन संसार रूपी सागर से पार पाना चाहते हैं, इसे मुक्ति चाहते हैं, इसे छूट चाहते हैं, या जो भी इस संसार में अनेकों प्रकार के दुख से कष्टों से दावानल की तरह अग्नि में भस्म होने की तरह अग्नि से मिलने वाली कष्ट की तरह जल रहे दग्ध हो रहे, तो उनके लिए भी केवल और केवल पुरुषोत्तम श्री भगवान जी की लीला और उनके कथाओं का श्रवण करना, उनके रस का कथाओं का सेवन करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उस कथा का सेवन करना, उसके रस का आनंद लेना, रस कोई फ्रूट वाला जूस नहीं, उसकी कथा में ध्यान लगा देना, मगन हो जाना, उसके अलावा उस दावानल रूपी अग्नि से भस्म होने के लिए और कोई भी साधन धन या उस सागर से पार पाने के लिए और कोई नौका नहीं है, कोई नौका विहार नहीं। अर्थात भगवान का स्मरण ही, उनका ध्यान ही, उनकी कथाएं ही, उनकी लीलाएं ही, उनका सुनना मात्र ही, श्रवण मात्र ही श्रेयस्कर है, उसके अलावा और कोई भी साधन नहीं है। इसलिए साध्य को चाहिए कि पूर्ण समर्पण भाव से उनका स्मरण हर पल हर प्रतिपल हर क्षण करता ही जाए, कोशिश तो करता जाए। और फिर परीक्षित जी को बताते हैं कि ऐसे मनुष्य या समस्त मनुष्य मात्र, पूरे प्राणी मात्र इस कलयुग में उनके लीला रूपी रसायन का, भगवान की लीलाएं जो भी थी वो एक रसायन की तरह भी, अर्थात रसायन कैसे, उससे जब चाहो जहां चाहो वैसा फल ले लो, उसका सेवन करके अर्थात लीलाओं को खुद करके, उनकी क्रियाओं को करके, उनका स्मरण करके, वैसे प्रयोग करके अपने मन की मनोरथ की सिद्धि भी हम कर सकते हैं, आपको सिद्धि भी मिल सकती है। ऐसी कथा इस कलयुग में से मुक्ति पाने के लिए बताई। फिर सुखदेव जी के द्वारा अंतिम उपदेश दिया गया। अंतिम उपदेश क्या था सुखदेव जी का? सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, ये सारी कथाओं के बाद मैं आपको बताता हूं, आपको कहता हूं कि इस प्रकार इस तरह से आत्मचिंतन करो, अनुसंधान करो, सोचो, विचारो। एक सूत्र जो उन्होंने बताया, ये सभी के लिए, हम हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरी है, आप चाहें तो उसको ध्यान भी रखें, नोट करना चाहे तो नोट भी कर ले। मैं थोड़ा सा आपको पेन पेंसिल का इंतजाम करने का भी समय देता हूँ। उस सूत्र को याद रखें, उस मंत्र को याद रखें, वो मंत्र क्या है आप नोट करना चाहें मित्र, लिख लो कि ये ऐसी भावना रखें कि मैं स्वयं ही सर्व अधिष्ठान के परम ब्रह्म के रूप में उस परम पिता का अंश हूं और सब जगह घनश्याम के रूप में मेरे हृदय में वो भगवान सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है, क्योंकि मैं स्वयं उस परम पिता का ही, भगवान का ही, घनश्याम जी का ही, उन्हीं श्री कृष्ण जी महाराज का ही अंश हूं। यह भावना अपने दिल में सदा के लिए बसाए रखें। यह बात, यह संदेश सुखदेव जी के द्वारा राजा परीक्षित को दिया गया। वो कहते हैं कि उसके बाद फिर अपने आप को एक रस की तरफ मोड़ दो, वास्तविकता से अपना परिचय कराओ, इधर उधर मन को मत भटकाओ, ढाढ़स बधाओ और अपने आप को कंसंट्रेट करके एकत्रित करके इतनी योग क्रिया तो अब आप सीख जाओ। 12 स्कंद की कथा के बाद इतनी बातें तो सीख जाओ, इतने तथ्य तो जान जाओ कि अपने को
अपनी आत्मा को अखंड मानकर, अखंड जानकर वैसे ही प्रयोग करो। प्रयोग क्या करो, भगवान के तरफ अपने आप को निछावर कर दो, उस तरफ आप एकत्रित कर दो और अपने आप को उसी स्वरूप में मानकर अपनी क्रियाएं अपने कार्यों को करना शुरू तो कर दो। अब उसके बाद वेद की शाखाओं के भेद के बारे में कुछ बात है। सर्प सत्र की कुछ कथाएं हैं और जन्मेजय का वर्णन भी है और परीक्षित की परम जो मति परमति है उसके बारे में भी थोड़ी सी इसमें सार में इसमें वर्णन बताया गया। तब सूत जी महाराज कहते हैं, अब वो ऋषियों को संबोधित कर रहे हैं, सूत सोनकादि ऋषियों, सोनक ऋषि का वर्णन सबसे पहले आया था, वो सुखदेव जी महाराज से भी उनका नाम पहले उनका नाम आया। सोनक आदमी सोनक आदि ऋषियों मुनि श्रेष्ठो, भगवान विष्णु के स्वरूप का निश्चय करके उसके बारे में सोचने से ही, उनका भजन करने से ही हर प्रकार के माया मोह से निवृत्ति हो जाती है, ये डाउट सब कुछ दूर हो जाता है। इसलिए उनके स्वरूप का निरूपण सुनो, कथा का श्रवण करो। इसलिए तो यह भागवत कथा का वर्णन करना, श्रवण करना, मनन करना, इसलिए तो बताया गया। फिर सूत जी बताते हैं किसी के बारे में सोचना कि यह दंभी है, दुष्ट है, कपटी है, ऐसी विचार रखना, ऐसी बुद्धि को प्रयोग करना, ऐसी सोच रखना दूसरे के बारे में, या बार बार आपके स्वयं के कलुषित मन का, दुष्ट विचारों का ही द्योतक है और वही दंभ तथा कपट का स्फुरण आपके मन मस्तिष्क पर होता है और वही माया है, इसलिए उससे बचो। फिर जब भी हम या दूसरे लोग यह विचार करने लगते हैं कि परमात्मा की शरण में जाएं, परमात्मा को याद करें, और उसमें हम कई जगह भटकते रहें, डर भी रहे, डर चाहे किसी के देखने का हो, किसी के द्वारा कोई डिस्टर्बेंस का हो, समय के अभाव का हो और किसी कर्म के छूट जाने का हो, तब हम निर्भय नहीं रह सकते। और यदि हम निर्भय नहीं हैं, हमारे मन मस्तिष्क में डर नहीं है, तो तब ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में भगवान की शरणागति भी नहीं मिल सकती। वो माया से आप घिरे हुए हैं, उस माया को त्यागना ही होगा, तभी भगवान का आपको आशीर्वाद पूर्ण रूप से मिल सकता है। इसलिए माया को दूर रखना, माया के आश्रित रहने से, माया के वश में रहने से नाना प्रकार के, विविध प्रकार के, अनेकों प्रकार के विवाद उत्पन्न होते हैं, मतवाद अर्थात डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, मति भ्रम हो जाती है और परमात्मा के फिर दर्शन कैसे हो। यह सारा नाना प्रकार के विवाद, भिन्न मत, भिन्नता, कलुषितता, ये सारी चीजें लेके परमात्मा का स्मरण करने से कोई फायदा नहीं, वो केवल आप अपने आप को ही धोखा दे रहे, क्योंकि इसलिए पूर्ण रूप से समर्पण होके, किसी भी दुर्भावना से दूर होकर के, किसी भी आसक्ति से अपने आप को विड्रॉ करके ही परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। किसी इन सारे आसक्तियों से परिपूर्ण होकर ध्यान करना, ऐसे विचार रखना, दस जगह भटका होके उसके तरह भगवान की तरह को नाम लेना या अपने आप को धोखा देना, दूसरे को धोखा देने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसमें पूर्ण समर्पण भी चाहिए। फिर आगे सूत जी बताते हैं कि हे ऋषि मुनियो, हे ऋषि, लक्षण युक्त जिसमें रीजन के साथ, तथ्यों के साथ, वास्तविकता के साथ,
प्रायोगिकता के साथ बातें बताई गई हैं वह 18 पुराण। और ये 18 पुराण क्या हैं? उनके नाम बताए हैं, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवत प्रमाण, मार्कंडेय पुराण, वामन पुराण, वाराह पुराण, मत्स्य पुराण, पूर्व पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस तरह यह 18 पुराण है। इन पुराणों में सारी विस्तृत लीलाएं, सारे विस्तृत तथ्य वेदों से लिए गए हैं। वेदों के जो प्राप्तियां हैं, वेदों से व्यास जी के द्वारा जो लिखित तो वेद नहीं है, वेद श्रुति तथा स्मृति पर आधारित है। ब्रह्मा जी के द्वारा जो कथा सुनी गई, जो बातें सुनी गई वेद व्यास को, क्योंकि उनको जब संकलित करने की बात आई मैं वेदों को, तो तब इसके लिए फिर ढूंढा गया ऐसे आचार्य कौन है, ऐसे श्रेष्ठ कौन है जो उनको संकलन कर सके, लिख सके। तो ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई बात है वेदों के रूप में है। और वेद व्यास जी को ब्रह्मा जी के द्वारा बताई गई बातें जितनी सुनी गई, जितना उनका ध्यान रहा और उसमें से जो याद रहा, श्रुति स्मृति वही है, जितनी सुनी गई और सुनने के बाद जितनी याद रही उन्हीं का उन्होंने लिखित रूप में वेदों के रूप में वर्णन कर दिया। इसलिए वेद श्रुति तथा स्मृति पर आधारित हैं। और उन्हीं वेदों में से, उन्हीं वेदों का रेफरेंस दे करके निकले हुए यह पुराण भी हैं। इन पुराणों में भी वेदों का वाणी, वेदों की आदेश, वेदों का संदेश संकलित है। इसलिए इनके बारे में जानना, इनके कुछ कुछ ध्यान रखना, इन 18 पुराणों में से हम शुरुआत करें किसी भी कार्य को करने के लिए। और ये भागवत पुराण की जो कथा हम कर रहे हैं उन्हें 18 पुराणों में से एक पुराण, इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानने की कोशिश की, इसको टच करने की कोशिश हमने इधर 12-15 दिनों में की। अब हमारा यह धर्म बनता है, हमारे मर्म बनता है कि इनको तो हम ध्यान रखें, साथ ही यथासंभव यदि हो सके तो उन बाकी 18 पुराणों में से और किसी पुराण का भी हम संकलन करें, उनकी भी कथा सुने या हम कथा करें, या लेने के बाद किसी से भी संदेश लेकर के, आज्ञा लेकर के भगवान से उसको हम अपने जीवन में उतारने की कोशिश तो करें। फिर मार्कंडेय मुनि तब कहते हैं, हे प्रभु, भगवान को संबोधित करते हुए मुनि श्रेष्ठ मार्कंडेय जी कहते हैं, मार्कंडेय पुराण भी आपको सुना होगा। मार्कंडेय पुराण की यदि कथा का एक सेंटेंस में मैं आपको बताऊं, जो भी मार्कंडेय जी महाराज का स्तुति गान करता है उसको जीवन मृत्यु का भय नहीं रहता। मार्कंडेय जी के स्मरण कर देने मात्र से ही वह लंबी उम्र को पाता है, और उम्र ऐसी पाता है जिसमें उसकी सदगति भी हो, सदविचार भी हो, नाम भी हो। इसलिए मित्रों, जब भी किसी भी आपका, आपके परिवार में किसी का, जानने वाले का जन्मदिन हो, जन्मदिन आता हो, तो ओम श्री मार्कंडेय नमः इसका जप कर देने से, उसको जन्मदिन की बधाई देने से पहले या बाद में, बीच में कभी भी ओम श्री मार्कंडेय नमः का उच्चारण कर देने से उसके जीवन में एक नई स्फूर्ति आ जाती, नई संचार उसके जीवन काल में नई बातों का हो जाता है, उत्साह बढ़ जाता है और उसके कष्ट भी दूर होने लग जाते हैं, ऐसे मार्कंडेय ऋषि। और जो कर्मकांड से जो विशेष पूजा कराते हैं जन्मदिन के लिए, उसमें मार्कंडेय पूजा करने का विधान भी हमारे कर्मकांड में। तब मार्कंडेय मुनि कहते हैं, हे प्रभु, वेदों में आपका साक्षात कराने वाला, आपका साक्षात करने वाला वेदों में, वेदों के माध्यम से यह ज्ञान पूर्णता से भरा हुआ है या पूर्ण रूप से विद्यमान है, जो आपके स्वरूप का वर्णन और रहस्य प्रकट करता है। इसलिए ब्रह्मा जी और बाकी दूसरे
जो बड़े बड़े प्रतिभाशाली हैं, विद्वान हैं, मनीषी हैं, वो भी इस ज्ञान को, वेदमयी धारा को प्राप्त करने के लिए अनेकों तरह के यत्न करते रहते, और कभी कभी वो यत्न करते हुए भी, प्रयत्न करते हुए भी मोह में फंस जाते हैं या मोह में अड़ जाते हैं। क्योंकि आप स्वयं ऐसे लीलाधारी हैं, आप ऐसी लीलाओं के बिहारी हैं कि विभिन्न मत वाले भी, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन वाले भी आपके संबंध में, आपके बारे में जैसा सोचते हैं, जैसा विचार करते हैं, विचरण करते हैं, विचरते हैं, आप वैसा ही स्वरूप लेकर के, वैसा ही मार्ग दिखा करके उसके सामने प्रकट हो जाते हैं, या आप वैसे ही क्रियाएं कर देते हैं, या वैसा ही मार्ग दिखा देते हैं। क्योंकि आप तो वास्तव में समस्त देह में, समस्त शरीरों में छुपे हुए विशिष्ट विज्ञान रूपी धन के रूप में विद्यमान है। इसलिए हे पुरुषोत्तम, हे पूर्ण पुरुष, मैं आपकी वंदना करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। यह बात भगवान से मार्कंडेय ऋषि ने कही। फिर मार्कंडेय जी का भाइया मार्कंडेय जी को बाल मुकुंद जी के दर्शन हुए। फिर सूत जी कहते हैं, सोनक ऋषियों, हे सोनक जी, अब तब उन्होंने, अर्थात मार्कंडेय जी ने देखा कि समुद्र के बीच में पृथ्वी का एक बड़ा सा टीला बना हुआ है समुद्र के बीच में, और उस टीले पर एक बरगद का पेड़ विद्यमान, विशाल बरगद का पेड़, और उसी बरगद के पेड़ के जो पत्ते हैं, उसी पत्ते में दोने का स्वरूप बना हुआ है, और दोने में एक कोई शिशु, कोई कोई बालक सोया हुआ है। बाल मुकुंद के दर्शन मार्कंडेय जी को हो रहे हैं। तब सूत जी महाराज ने सोनक आदि ऋषियों को ये बात बताई, और वो जो बालक सोया हुआ है उस पत्ते के दोने में, बरगद के पत्ते के दोने में, उसके अधरों पर, उसके होठों पर, उसके चेहरे पर प्रेम रूपी अमृत के समान, या पूरा प्रेम रूपी अमृत जिसमें भरा हुआ है, मंद मंद मुस्कान हो रही है। आप भी देखिए भगवान के जो चेहरे का निरूपण कीजिए इसी बात से, मंद मंद मुस्कान बिखरी हुई है, और उसका जो प्रेम पूर्ण चित्वन, उसके प्रेम पूर्ण का चेहरा दिख रहा है, वह ऐसा लगता है कि स्वयं मार्कंडेय जी उसका दर्शन कर रहे हैं, या वह प्रेम का जो वाणी है, जो चेहरा है, वो सीधा केवल और केवल मार्कंडेय जी की तरफ ही दिख रहा है। उनका चेहरा मार्कंडेय जी को तुरंत दिख रहा है, और मार्कंडेय जी भी उसको देख रहे हैं। ऋषि कड़ी में भगवान शंकर के द्वारा मार्कंडेय जी को वरदान दिया गया। भगवान शंकर कहते हैं, हे मार्कंडेय जी, अब उन्होंने रेफरेंस लेके कहा है, ऐसे शांत पुरुष जो भी इस तरह की शांति को, पेशेंस वाले हैं, धारण किए हुए, वो मुझ में, भगवान विष्णु में, ब्रह्मा जी में, और अपने आप में तथा बाकी जीव जंतुओं में भी अणु मात्र भी भेद नहीं रखते, तो कोई उनमें डिफरेंस नहीं मानते, अर्थात चाहे मैं स्वयं हूँ, भगवान शंकर कहते हैं, मैं स्वयं हूँ, विष्णु हो, भगवान हो, बाकी जीव जंतु भी हो, या वो स्वयं भी हो, वो कोई सबको एक समान मानते। इसलिए वो क्या करते हैं फिर आगे, सदा और सदा, हमेशा, सब जगह, सर्वथा एक ही रस अर्थात आत्मा का दर्शन कर, ये उनके भाव हैं, ये उनके दर्शन। इसलिए हम स्वयं भी, भगवान शंकर कहते हैं, हम स्वयं भी अर्थात देवी देवता भी तुम्हारे जैसे, मार्कंडेय जी को संबोधित करते कहते हैं, तुम्हारे जैसे ऋषियों की, मार्कंडेय जी की स्तुति और सेवा करते हैं, और वो आपसे भी हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसीलिए मार्कंडेय जी महाराज का स्तुतिगान करना और जन्मदिन के समय दिन उनकी विशेष पूजा करना, मार्कंडेय पूजा करने का प्रावधान भी, क्योंकि वो पूर्णत्व की तरफ है, पूर्ण पुरुष की तरफ है, और उन पर भगवान शंकर का वरदान भी है, और भगवान शंकर ही किसी का भी
हरण करने वाले, और हरण से मुक्ति मार्कंडेय पूजा करने से किसी को भी होती है। फिर भगवान के अंग उपांग और आयुध अस्त्र शस्त्रों का वर्णन है और सूर्य के गणों का वर्णन भी। तब सूत जी बताते हैं, ये सोनक जी, वही सर्वस्वरूप भगवान वेदों के मूल कारण है, वही स्वयं प्रकाश है और अपनी महिमा आदि विभिन्न स्वरूपों का वर्णन, उनका दर्शन, विश्व की सृष्टि स्थिति और संहार सभी कुछ संपन्न करने वाले हैं। सब कुछ उन्हीं के द्वारा किया गया है, उनके द्वारा यह रचना रची गई, सारे क्रियाकलाप उन्हीं के द्वारा है। इसलिए कहा है, नर चाहे नहीं होत है, प्रभु चाहे तत्का। भगवान जब जैसा जिस समय जिसको चाहे वैसा बना देते हैं, जिसको दे देते हैं। इसीलिए कहा कि छप्पर फाड़ के भी दे दिया या चमड़ी उधेड़ के भी ले लिया, यह तो भगवान की ही लीला है। इसलिए हमको उनका नाम, उनका ज्ञान, उनकी वाणी, उनके कर्मों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, उनका अनुसरण करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। हालांकि अलग अलग शास्त्रों में भिन्न भिन्न तरीके से उनका वर्णन किया गया है, फिर भी अल्टीमेट बात तो यही है, पूर्ण समर्पण ही उनका जो वास्तव में आराधन। और वो भगवान अपने भक्तों को पूर्ण प्रेम से प्रेमास्पद होकर के प्रेमास्पद स्वरूप में अवश्य प्राप्त होते हैं, जिससे उनको आनंद की भी प्राप्ति होती है। अब संक्षिप्त सूची बताई गई है श्रीमद् भागवत जी की। तब सूची बताते हैं शौनक आदि ऋषियों, सुखदेव जी महाराज अपने ही आत्म के आनंद में, आत्मानंद में निमग्न थे, उसमें वह बिल्कुल लीन थे। और तब एक अखंड और अद्वैत सी स्थिति, भेद रहित, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं था, कोई भेद नहीं था, उस समय विद्यमान थी। फिर तब भी उस समय भी मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर कृष्ण सिंह महाराज, उनकी मधुमयी मंगलमयी मनोहरणी लीलाएं उस समय भी, और उस लीलाओं से उनकी वृत्तियों के द्वारा उन श्याम मनोहर जी ने सुखदेव जी को अपनी तरफ आकर्षित कर दिया, जबकि वो बिल्कुल निमग्न थे, एकाग्र चित्त थे अपने आत्मा के आनंद में, भगवान की तरफ आ रहे हैं वो समर्पण थे। तब भी उन्होंने अपनी जो विभिन्न लीलाएं क्रियाएं से उन सुखदेव जी महाराज को भी अपनी तरफ आकर्षित कर, और आकर्षित करके उन्होंने इस जगत के विश्व के सारे प्राणियों पर ऐसी कृपा की, ऐसी कृपा दृष्टि की, ऐसा मार्ग दिखाया कि सुखदेव जी के द्वारा भागवत कथा का गान किया गया, इसका मार्ग बताया गया, इसकी कथाएं बताई गई, ताकि समस्त सृष्टि में, इस सृष्टि में जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी मात्र हैं, सबका उद्धार हो सके। और इसीलिए सुखदेव जी के द्वारा ही इस महापुराण का विस्तार भी उन्होंने करवाया गया। ये भगवान की कृपा थी, ये भगवान की ही लीला थी। इसलिए सर्व पाप हारी व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज को मैं नमस्कार करता हूँ। सूत जी कहते हैं, उनके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ नतमस्तक, क्योंकि भगवत कथा का जो मार्ग था, ये जो सुमार्ग था, सुखदेव जी के द्वारा ही दिखाया गया था, जो इस कलयुग में अत्यंत हितकारी है। तब भागवत कथा का श्रवण और पाठ करने से क्या मिलता है, कैसे हमको पाठ करना चाहिए, उसकी थोड़ी सी बात सूत जी फिर बताते हैं। हे सोनक ऋषियों, यह श्रीमद् भागवत भगवत तत्व को जानने का एक श्रेष्ठ प्रकाशक, ऐसी लाइट इसमें है कि भगवत तत्व, भगवान का तत्व, भगवान की कृपा कैसी है, उनकी लीला कैसी है, उनकी महिमा कैसी है, उसको जानने का एक, जो आज की तरफ पब्लिशर है, बुक पब्लिशिंग है, उस तरह की बात। उसी कड़ी में सुशील अग्रवाल जी के द्वारा जो उद्धरित, जो रचित, जो लिखित भागवत गीता है, भागवत कथा है,
वह भी उसी एक कड़ी में आज के समय के लिए। और इस भागवत कथा भागवत पुराण के तुलना में इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता, ये सूत जी महाराज बताते हैं, क्योंकि इसमें भगवान नारायण ने स्वयं इसकी लीलाओं का रचना की है और इसको रचना करने के लिए ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए थे। जब ब्रह्मा जी स्वयं प्रकट हुए थे भगवान विष्णु के द्वारा अपने क्रियाओं के द्वारा श्री कृष्ण जी महाराज के रूप में खुद स्वयं लीला रची थी, तो ऐसा और कौन कर सकता है, और केवल भगवान ही कर सकते हैं। फिर उन्होंने अर्थात भगवान विष्णु ने स्वयं ब्रह्मा जी से देवर्षि नारद को उपदेश दिया, उनको ज्ञान दिया, और नारद जी के रूप में नारद जी ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण को द्वैपायन व्यास को तदंतर व्यास पीठ पर बिठाकर उनसे प्रार्थना करके सुखदेव जी को, और सुखदेव जी के द्वारा बहुत ही करुणावश होकर बहुत ही भाव से भाव भंगिमा से परीक्षित जी को उपदेश के रूप में यह भागवत कथा बताई, भागवत कथा का पाठ कराया, इनके 12 स्कंदों की रचना की। क्योंकि भगवान परम शुद्ध हैं और माया मल से मलिनता से रहित हैं, और भगवान के पास शोक दुख मृत्यु जन्म इस तरह के कोई भी कष्ट इस तरह की कोई भी व्याधियां उनके पास तक अटक भी नहीं सकती। इसलिए हम इन परम पिता परम सत्य स्वरूप भगवान का ध्यान करते हैं और उसका महिमा कि हम वरना और क्या करें, उनको हम नतमस्तक के प्रणाम करते हैं। फिर देवताओं के आराध्य देव सर्वेश्वर भगवान को ध्यान करते हुए सूति महाराज करते हैं, हे आराध्य देव ईश्वर जो आपके सर्वेश्वर हैं, जो देवताओं के भी सर्वेश्वर हैं, देवताओं के भी जो आराध्य हैं, आप भी हमारे एकमात्र स्वामी और सर्वस्व है, यह पाठ करने की विधि है, इस तरह से मनन करना चाहिए। इसलिए फिर आगे आराधना करते हुए सूति महाराज कहते हैं, आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा दृष्टि रखिए कि बार बार जन्म मिलने पर भी, बारंबार जन्म ग्रहण करने पर भी हमको आपके चरण कमलों की दर्शन मिलते रहे और हमारी अविरल अविचल भक्ति आपके श्री चरणों में बनी रहे। क्योंकि जिस भगवान के नामों का कीर्तन करने मात्र से ही, स्मरण करने मात्र से ही सारे पाप दूर हो जाते हैं, धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और जिन श्री भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर देने से, उनका विचार कर देने मात्र से ही हर तरह के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे परम तत्व स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः, ओम हरिये नमः, ऐसा करके इतना जान के ओम हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत करके भी जो उनको ध्यान लगा लेता है उसको तो भवसागर से भी आप पार कर देते। तो इसी तरह सूत जी अंत में फिर बात कहते हैं भागवत कथा के कि सुखदेव जी के मुख से कहा गया, बताया गया श्रीमद भागवत जी शास्त्र, उसका वृतांत, श्री कृष्ण जी महाराज का वर्णन और उनके द्वारा स्वयं रची गई अनेक लीलाएं, बहुत सी बातें, बहुत से तथ्य इस कलयुग में, जब ये लिखा गया तब तो था ही, लेकिन इस कलयुग में विशेषता इस पुराण की रचना की गई है और इस कलयुग में श्री कृष्ण जी के दर्शनों का एकमात्र साधन भगवत कथा है, भगवत गीता है, और इस भगवत गीता तथा भगवत कथा का पठन करने से, मनन करने से, पाठ करने से, या उस कथा का व्यास जी के मुखारविंद से सुनने से साक्षात परम पद श्री कृष्ण महाराज के दर्शन होते हैं। और इस भागवत कथा के साक्षात दर्शन करने के लिए व्यास मुख से आनंद मिलने के अलावा और कोई मार्ग नहीं। इसलिए नित्य प्रतिरूप से प्रेमानंद के रूप में
फल प्रदान करने वाला जो ग्रंथ है, जो पुराण है, जो भक्ति है, जो आशीर्वाद भगवान का तुरंत मिलेगा। इसलिए हमको भगवत भक्ति में हमेशा के लिए, सदा के लिए न्योछावर होना ही चाहिए। और अंत तो गत्वा मित्रों, आज ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, हरिये नमः, हरि शरणम, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, ग्रहण सुमुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भगवन नारायण नारायण नारायण। इति श्री भागवत कथायां द्वादशो अध्यायः। ओम श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, नमो नमः। मित्रों धन्यवाद पंत जी, धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छा श्रवण हुआ। ये आज द्वादश अध्याय की कथा का संपूर्ण, अब इस कथा के बाद पारायण का प्रावधान है। तो मेरे विचार से या मेरा जो सलाह है, कल को हम पारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण के कुछ अद्भुत दर्शनों की बात करेंगे, उनके अद्भुत लीलाओं की बात करेंगे। क्योंकि यदि हम एक जगह फिजिकली उपस्थित होते तो वहां पर हवन यज्ञ का आयोजन होता, तो वह तो हम ये वेब से बातें चल रही हैं। तो उस यज्ञ के रूप में भगवान श्री कृष्ण की कुछ लीलाओं का, कुछ वर्णन का, कुछ सीख का हम बात करना चाहते हैं। कल को आप सब तैयार रहें, प्रातःकाल इसी समय 6 बजे पारायण के रूप में भगवान श्री कृष्ण का फिर हम साक्षात्कार करेंगे, उनके गुणों को, भजनों को भजेंगे। अब बहन कुलविंदर जी से और मनोज जी की तरफ मैं इसको देता हूँ, और सभी सज्जनों का, सभी मित्रों का साभार, भगवत कृपा, श्री कृष्ण महाराज की कृपा दृष्टि हमेशा उन पर, उनके परिवार पर, उनके मित्रों पर बनी रहे। इस दुनिया में भगवान का आशीर्वाद व्याप्त रहे, इसी भावना के साथ जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद ललित जी, बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा श्रवण कथा हुई है। आज मनोज जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनकी जगह आज हमारे मित्र सुशील जी हैं उपस्थित। और मैं सभी मित्रों को बताना चाहूंगी कि सुशील जी के द्वारा ही हमें सबको भागवत कथा उपहार स्वरूप दी जा रही है। तो सुशील जी आप आए सामने। हाँ नमस्कार, ओम श्री कृष्णाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः। वैसे मनोज जी का मुझे पता नहीं था कि वो आएंगे नहीं आएंगे, आज तो मैंने ऐसे ही, मेरे पास अवसर था तो भगवान श्री कृष्ण ने अवसर दिया तो मैंने लॉगिन कर लिया तो सब कुछ सुचारू रूप से शुरू हो गया। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके डॉक्टर ललित पंत जी को निमित्त बनाकर हम सबको श्रीमद भागवत का के उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ रस का, भक्ति रस का आस्वादन करवाया। और जिस श्रद्धा भाव से डॉक्टर साहब ने इसका वाचन किया और आप सब महानुभावों ने जिस श्रद्धा भाव से विश्वास के साथ इसका रस का पान किया, ये बहुत ही उत्कृष्ट है, सर्वश्रेष्ठ है, बहुत ही सुंदर, अच्छा है, ये बहुत बढ़िया बात है। और अभी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि कल का भी एक सत्र रहेगा, तो अभी हम सिर्फ यहाँ पर एक अवसर लेना चाहते हैं कि एक तो डॉक्टर साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद करें कि उन्होंने बहुत ही भगवान की कृपा से सक्षम रहे, उन्होंने बहुत ही अच्छे प्रकार से सबको बताया। और आप सब का भी बहुत धन्यवाद है, क्योंकि अधिकतर ऐसा देखा गया है कि 10वें स्कंद से आगे या 10वें स्कंद का पूरा पान करने के लिए एक पात्रता की आवश्यकता होती है। तो आप सब की पात्रता, आपने पूरे 12 स्कंदों का रस का आस्वादन किया, सबको अच्छी तरह सुना, समझा, मनन किया, विचार किया, तो आपकी सबकी पात्रता बहुत उत्कृष्ट है, बहुत सुंदर और बहुत ऊंची अवस्था है। तो कृपा करके आप सब इस में आगे बढ़ते रहें, यही सबकी शुभकामनाएं हैं, हमारी भी शुभकामनाएं हैं, और हम सबको भी भगवान ऐसी दृष्टि दें, कृपा रखें। इसी के साथ
डॉक्टर साहब आपका और आप सब महानुभाव भक्तों का अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सुशील जी। मैं सभी मित्रों को बताना चाहूंगी कि आप ही हैं जिनके लिखे हुए भागवत उपहार स्वरूप हम सबको भेज रहे हैं। तो धन्यवाद सुशील जी, आपका परिचय आज हमें कुदरती मिल गया और सामने भी आ गए आप। अगर कोई शेयरिंग करना चाहेगा, आपका किसी का हैंड रेज है तो सामने आए, अपने आप को अनम्यूट करें, कोई बोलना चाहेगा। सुशील जी आप देख रहे हैं किसी को, किसी का हैंड रेज है? अपनी हैंड रेज तो किसी का नहीं है, फिर भी कोई डॉक्टर साहब से लेना चाहेगा। आज फूला कपूर जी जुड़ी हैं हमारे साथ, हमारी मित्र हैं। फूला जी आप शेयरिंग करना चाहोगे? अभी हैंड रेज तो किसी का दिख नहीं रहा है, हैंड रेज नहीं है। को नमस्कार, राम राम सभी मित्रों को, बहुत धन्यवाद कि मुझे मिला आज। हां जी फूला जी, हां जी नमस्ते। नमस्ते, आज बहुत से हमारे नए मित्र भी जुड़े हैं तो कुला जी उनमें से एक हैं। कुला जी आप और दो शब्द बोलिए। चलिए ठीक है। घनश्याम जी भी दिख रहे हैं मुझे। घनश्याम दास जी कृपया आप आए और दो शब्द कहें, अनम्यूट कीजिए। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। पिछले लगभग 18 दिन से हम जो है इस अमृतमय वाणी को सुन रहे हैं। आज जो है इसका एक प्रकार से समापन ही था, और जो आज बताया पंजी ने, वस्तुतः श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में 7वें और 11वें श्लोक के भीतर जो है ज्ञानी के गुण बताए गए हैं। वही बात हम लोग बस गीता के 4 श्लोक पढ़ लिए, कुछ पढ़ लिया और अपने आप को जो है ज्ञानी समझने लगते हैं, क्रम में रहते हैं। लेकिन भगवान ने कुछ नियम शर्तें निर्धारित की कि ज्ञानी कौन है वास्तव में वो अंतर्मुखी कौन है। तो पहला जो उसमें गुण बताया वो अमानी होना, कि मैं अमानी हो जाऊं, वो ये मानना, ये कहना मुझे मान नहीं होता, ये सबसे बड़ा अभिमान है। तो अमानी होने का मतलब मेरा स्वभाव ही ऐसा हो कि मुझे मान अपमान कहीं दिखाई ना दे, कि अभिमान तो मान नहीं पाएगा की वाली बात है। होगा वही प्यारे जो श्री राम जी को पाएगा, विधि का विधान जान हानि लाभ सही है, इस स्थिति हमारे भीतर आ जाए। दूसरा गुण जो था वो है दंभ का त्याग, कि मैं दंभी नहीं हूं, मुझे दंभ नहीं होता, ये दिखा मतलब जो मैं नहीं हूं वो मैं दिखाना चाहता हूं, ये दंभ है, हूं नहीं दिखना चाहता, मैं पंडित हूं नहीं, विद्वान हूं नहीं, लेकिन दिखना चाहता, मैं चाहता हूं जहां मैं जाऊं वहां लोग उठ खड़े हों, मेरा सम्मान करें, मुझे उच्च आसन पर बिठाएं, ये है दंभ होना। अहिंसा हम सब जानते ही हैं, वो भी गुण भगवान ने ही कहा इसी 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि अहिंसा का त्याग करना चाहिए, क्षमा का भाव होना चाहिए। क्षमा करना अलग बात है और क्षमा का भाव होना एक अलग बात है। क्षमा का हमारा भाव ही बन जाए स्वाभाविक रूप से, हम अपने किसी भी अपने किसी द्वारा किए गए अपमान मान अपमान को चिंता ना करें और क्षमा का भाव रहे। और जो मन वाणी की, मन और वाणी की सरलता और गुण है, और अष्टावक्र गीता में इसका बहुत महत्व बताया गया है। जो जिस पे मैं आना चाह रहा था वो छठा गुरु उपासना। पंची ने बहुत अच्छे तरीके से गुरु रूप में हम सबको एक ज्ञान दिया, उस ज्ञान को ग्रहण करना है हमें। और इसका सर्वश्रेष्ठ गुरु उपासना का जो है यूनान में आप सब जानते ही हैं कि विशाल विद्वान दार्शनिक हुए सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। तो दोनों एक बार जा रहे थे पर्वत पे, देखा
और आते हुए एक बीच में भयंकर सी नदी सी आई, नदी को उनको पार करना था। गुरु थे अरस्तु, तो अरस्तु ने कहा कि मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। वो आगे चलने लगे लेकिन सिकंदर ने उन्हें रोक दिया, नहीं गुरुजी मैं चलूंगा। सिकंदर जो है अरस्तु की किसी बात की अवज्ञा नहीं किया करते थे, लेकिन आज हट करके बैठ गए कि मैं पहले चलूंगा, आप मेरे पीछे आइए। गुरु को पीछे करना जो है वो ठीक नहीं है, लेकिन सिकंदर अड़ गया। तो जैसे ही उन्होंने नदी पार की तो अरस्तु ने पूछा कि सिकंदर आज तुमने ये अवज्ञा, तुम्हारे मन में भाव क्यों आया? तो सिकंदर का कहना था कि गुरुजी आप 100 सिकंदर बना सकते हैं, लेकिन 100 सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकता। यह है गुरु की महिमा, गुरु के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति श्रद्धा। तो पंत जी के प्रति हम सब जो है विनम्र भाव से इसी रूप में देखते हुए उनको सादर प्रणाम करते हुए और उनका धन्यवाद ज्ञापित करें कि हमने उनसे इन दिनों में बहुत कुछ सीखा। आगे बहुत सारे गुण हैं, लेकिन अभी मैं इस यहीं पर अपनी बात को विश्राम दूंगा कि हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए और उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने का भरसक प्रयास करना चाहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर शब्दों में आपने बहुत ही अच्छा सार बता दिया एक तरह से भागवत का भी, और जिस तरीके से आपने गुरु की महिमा कही है कुछ शब्द बचे ही नहीं है कहने के लिए। सच में ललित पंत जी ने अपना कीमती समय तो दिया ही, लेकिन बहुत ही सुंदर वर्णन भी किया और हमारा जो मान बढ़ाया है उन्होंने ग्रुप का डिवाइन पीस सोल जर्नी के माध्यम से, जो सभी जुड़े हैं मित्र उन सभी का भी मान बढ़ा है और मित्रों ने भी मान बढ़ाया है अटेंडेंस लगाकर। तो हमारा सभी से निवेदन रहेगा कि कल का जो सत्र रहेगा एक तरह से पारायण है जैसा ललित पंत जी ने बोला, तो सभी उपस्थित रहें। जो भी कथा श्रवण करी है उसका एक तरह से ये हवन यज्ञ है, पूर्णाहुति होगी। तो सभी का धन्यवाद करते हुए, घनश्याम जी आपका धन्यवाद करते हुए, सभी उपस्थित मित्रों का धन्यवाद करते हुए, सुशील जी का धन्यवाद करते हुए, ईश्वर का धन्यवाद करते हुए, इस समय का सेशन का धन्यवाद करते हुए मैं आज के सेशन का यहीं पे हम एंड करते हैं और कल सब हम मिलेंगे। ग्रेटिट्यूड, सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद तो बहुत छोटा शब्द है पंत जी के लिए। हम सब इतने भाग्यशाली हैं कि घर बैठे हम भागवत कथा सुन रहे हैं जी। बहुत बढ़िया, हमें कहीं जाना नहीं पड़ा। और धन्यवाद बहुत छोटा शब्द है उनके लिए। ये भी पंत जी के लिए बहुत हम बड़ा भाग्यशाली है। हाँ, भाग्यशाली तो है, ये भी एक पुण्य का काम है तुम्हारे प्रारब्ध इसलिए हम इस मंच में आए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार।